सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस भागती दौड़ती जिंदगी में बड़ा आनंद आता है जब हम ना भाव में जियो ना अभाव में जियो, अपने स्वभाव में जियो, ऐसी बातों पे विचार करते हैं, मित्रों के साथ आनंद लेते हैं, घर परिवार के साथ उत्सव मनाते हैं और अपने इस समाज के साथ सदैव इस देश को चहुमुखी विकास देने की बात करते हैं। हमारे जितने भी पूर्वज हुए हैं, हमारे जितने भी शहीद हुए हैं, हमारे जितने भी महान लेखक हुए हैं, हमारे जितने भी कवि हुए हैं, हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं या जितने भी समाज सुधारक हुए हैं, उन सब के पीछे इस बात का सदैव भाव रहा कि ना भाव में जियो ना अभाव में जियो, अपने स्वभाव में जियो। जो प्रकृति ने आनंद दिया है, मस्ती दी है, सोच दी है, शिक्षा दी है, परिवारवाद दिया है, देश की मित्रता दी है, नेतागण दिए हैं, समाज सेवी दिए हैं, उन सब से प्रेरणा लेके अपने समय का, अपने शरीर का, अपनी ताकत का, अपनी इस बुद्धि का एक एक क्षण, एक एक कण, एक एक पल बहुत आनंद से जीना है। और जो लोग आनंद से जीते हैं वे देश के लिए, प्रकृति के लिए, समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए अनेकों काम कछुए की चाल से चलते हुए, मस्ती के साथ धन ध्यान होते हुए, गुरुओं को नमन करते हुए, सबका हित सोचते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो मैं पुनः दोहराऊंगा कि ना भाव में जियो ना अभाव में जियो, अपने स्वभाव में जियो। इस बात को दोहराने का मतलब ये है कि जब हम दूसरे लोगों के प्रभाव में आ जाते हैं, दूसरे लोगों की शान शौकत देख के डर जाते हैं, दूसरे लोगों के पदों को देख के लालच में आ जाते हैं, दूसरों व्यक्तियों के संसाधन देख के अपने को डिगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने उस रास्ते से हट जाते हैं जो धर्म का रास्ता है, जो प्रेम का रास्ता है, जो त्याग का रास्ता है, जो तपस्या का रास्ता है, जो ऐश्वर्य का रास्ता है, जो गीता सिखाती है, जो महाभारत सिखाती है, जो गुरु ग्रंथ साहब सिखाते हैं। और जब हम ऐसे ग्रंथों से सीख लेते हैं कि ना भाव में जियो ना अभाव में जियो, केवल अपने स्वभाव में जियो, यही बात हमें आगे बढ़ा देती है। कोई भी संकट हो उसका हम हल निकाल लेते हैं, कोई भी आर्थिक तंगी हो उसका हम समाधान ढूंढ लेते हैं, कोई भी हारी हो बीमारी हो उसको हम सहज दूर कर देते हैं। COVID-19 का जो ये भयंकर समय समय चल रहा है, इस COVID-19 को हर भारतीय संकल्पबद्ध है। भारत की 130 करोड़ जनता ने निर्णय कर रखा है कि COVID-19 को हराएंगे, भारत को विश्व महाशक्ति बनाएंगे और इस देश की आने वाली पीढ़ी को विश्व जगत के पद पे बैठाएंगे। इसका कारण और इस बात का कारण केवल एक ही है कि हम ना कभी भाव में जीते हैं ना कभी अभाव में जीते हैं, अपने स्वभाव में जीते हैं। और जिन लोगों ने 99% में से 1% में अपना नाम बनाया है, वे देश के ऐसे महान लोग रहे हैं, वे देश के ऐसे त्यागी तपस्वी लोग रहे हैं कि उनके सामने कोई राजा आया जब नहीं डिगे, जब रंक आया तो उसका सम्मान करने में पीछे नहीं रहे। ये देश संतों का देश है, ये देश त्यागियों का देश है, ये देश महापुरुषों का देश है,
ये देश ऐसे योगी लोगों का देश है जो हमें एक ही बात सिखाते रहे, देश से प्रेम करो, देश के लिए नौछावर हो जाओ, देश के लिए आगे बढ़ जाओ। लेकिन ये बात ध्यान रखो कि दूसरे के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। इसलिए ना भाव में जियो, ना अभाव में जियो, अपने स्वभाव में जियो और आगे बढ़ जाना है, जिसके कारण ये भारत देश जल्दी से जल्दी विश्व महाशक्ति बनेगा और हमारी युवा पीढ़ी में एक नया बदलाव जो आ रहा है, एक और नया बदलाव आएगा, और वो आएगा देश के लिए और ज्यादा समर्पण, देश की और ज्यादा सेवा, धर्म की और ज्यादा रक्षा। यदि हमारे युवाओं को देश की शान और मान के लिए शस्त्र भी उठाने पड़े तो शस्त्र भी उठाएंगे। और हमारे देश का ये इतिहास है कि अपने भाव में जीने के लिए हमने अनेकों कुर्बानियां दी हैं। इतिहास इस बात का गवाह है। मैं पुनः अपनी बात को ये कहना चाहूंगा कि सभागार में जितने भी लोग बैठे हैं, ये इस देश की मान शक्ति है, ये इस देश का पराक्रम है, ये देश के मीडिया के लोग बैठे हैं, ये देश के आविष्कारक लोग बैठे हैं, जो सदैव इस बात का नारा देते रहे, बस अपने स्वभाव में जीना है, गंगा की तरह बहना है और आगे बढ़ जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को प्रणाम, शुभकामनाएं, जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, आप में हर कोई व्यक्ति जीवन में विकास करना चाहता है और जो विकास करना चाहते हैं वे हमारे द्वारा विकसित की गई वीडियो को देखकर हमें अपनी राय दें। वे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें, जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आप पर सबसे पहले पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग सदैव देते रहें, ताकि आपका सहयोग इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण बन सके। आप सबको प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।